हाय वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन. कैसे हैं आप लोग? एसयूवी सेगमेंट का ही बोलबाला है क्योंकि कंज्यूमर्स की जुबान पे चढ़ गया है एसयूवी. इसी चाहत को देख के कार कंपनियां 2020 में सीरीज ऑफ एसयूवी कार लेके आने वाली है. और आज के सेशन में बात कर रहे हैं कौन कौन से फेसलिफ्ट्स, कौन कौन से नए जनरेशन, कौन कौन से ऑल टुगेदर न्यू मॉडल लॉन्चेस तो भारतीय मार्केट में एसयूवी सेगमेंट में 2020 में होने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं मारुति सुजुकी ब्रेज़ा से. यस, ऑटो एक्सपो 2020 में फाइनली मारुति सुजुकी ब्रेज़ा का फेसलिफ्ट एडिशन आने वाला है. कार में परिवर्तन के रूप में जान लीजिए, इसमें जो सबसे बड़ा परिवर्तन आने वाला है दैट्स गोइंग टू बी द इंजन. मारुति सुजुकी 1500 सीसी का भारत स्टेज 6 कंप्लायंट पेट्रोल इंजन ब्रेज़ा में लेके आने वाली है. ये कंफर्म हो गया है, ये वही इंजन है जो सियाज में, एटिगा में, एक्सल 6 में पावर करता है, लेकिन BS6 के ट्यून में सेट में आएगा इन बोथ मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन. डीजल इंजन अभी ऐसी उम्मीद नहीं है कि DDS 225 डीजल इंजन इसमें इंट्रोड्यूस करेगी. दैट इंजन रेस्ट नीड्स टू बी BS6 कंप्लायंट. तो जब भी वो इंजन BS6 कंप्लायंट होता है तब मारुति सुजुकी ब्रेज़ा में वाला इंजन लेके आएगी. प्लस कार में कॉस्मेटिक्स में, फीचर्स में, स्टाइलिंग में कंपनी जरूर एनहांसमेंट करेगी. हालांकि ये जान लीजिए यही सेम इंजन आपको मारुति सुजुकी S-Cross में मिलेगा, लेकिन S-Cross वुड नॉट बी गेटिंग अ फेसलिफ्ट. S-Cross में इंजन परिवर्तन हो जाएगा, कुछ एक माइनर रीशफलिंग होगी फीचर्स में. नंबर 2 SUV जो ऑटो एक्सपो 2020 में बड़ी हाईलाइट रहेगी दैट वुड बी Hyundai Creta नेक्स्ट जनरेशन. यस, बामुश्किल 3 महीने से भी कम समय रह गया है और आपको क्रेटा का अगला जनरेशन ड्यू है. जब से किया मोटर्स की सेल्टॉस आई है क्रेटा की सेल्स में इंपैक्ट पड़ा है. हालांकि जो अगली जनरेशन क्रेटा है उसमें सेम इंजन्स मिलेंगे जो अभी सेल्टॉस में आ रहे हैं BS6 कंप्लायंस के अंदर, लेकिन क्रेटा है नाम और Hyundai के टैग से जुड़ी है तो इस कार में आपको कुछ एक USP भी मिलेंगे जिसमें पैनारोमिक सनरूफ आपको इस गाड़ी के टॉप एंड मॉडल वेरियंट में. प्लस Hyundai इसमें आपको ब्लू लिंक कनेक्टिविटी इन्फोटेनमेंट सिस्टम जो वेन्यू में इंट्रोड्यूस किया है उसके साथ आपको लेके आएगा. वर्टिकल टेस्ला काइंड आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा और Hyundai की बॉस रिलायबिलिटी, Hyundai की आफ्टर सेल सर्विस नेटवर्क, वो सर्टेनली उसकी एक अलग पहचान है. नंबर 3 SUV जो ऑटो एक्सपो 2020 में आपको हाईलाइट मिलेगी दैट फ्रॉम द हाउस ऑफ टाटा मोटर्स नेक्सॉन के फेसलिफ्ट एडिशन को ऑटो एक्सपो में लेके आने वाला है. और इस गाड़ी में जो हाईलाइट होगी अपार्ट फ्रॉम BS6 कंप्लायंट पेट्रोल एंड डीजल इंजन, आपको गाड़ी में इंफोटेनमेंट सिस्टम अपडेट मिलेगा कार के स्टाइलिंग में. प्लस एक बड़ा आपको अपडेट मिलेगा दैट फ्रॉम द कार चैसी प्लेटफॉर्म. यस, टाटा मोटर्स अल्फा प्लेटफॉर्म पे गाड़ी लेके आने वाला है. दो ही प्लेटफॉर्म टाटा मोटर्स के अब रहेंगे, विच विल बी ओमेगा जो उनकी हाई एंड कार्स में रहेगा और दूसरा रहेगा अल्फा प्लेटफॉर्म रहेगा सब 4 मीटर कार्स में. टाटा मोटर्स की एल्ट्रॉस ड्यू है, उसी तरह टाटा मोटर्स की नेक्सॉन का फेसलिफ्ट एडिशन ड्यू है. And Auto Expo 2020 में ये गाड़ी आपको देखने को मिल सकती है. Number 4 would be a compact SUV that from the house of Kia Motors. Yes, Kia लेके आने वाला है sub 4 meter compact SUV जो कम्पीट करेगी अगेंस्ट Hyundai Venue, Mahindra XUV300, Maruti Suzuki Brezza. और इस गाड़ी में Kia Motors आपको Venue का 1 liter turbocharged इंजन देगा जो अभी उपलब्ध है, लेकिन BS6 compliant state. प्लस गाड़ी में आपको मिलेगा 1500 cc का डीजल इंजन जो अभी Kia Motors की सेल्टॉस में आ रहा है, अगेन इन अ BS6 compliant state. कार में फीचर्स में, स्टाइलिंग में Venue से डिफरेंशिएट करता दिखाई देगा. इसमें यूवो कनेक्ट मिलेगा, एयर प्योरीफायर आपको सिस्टम मिलेगा एंड सर्टेनली किया मोटर्स की जो स्टाइलिंग है, टाइगर नोज ग्रिल है, वो लोगों को पसंद आ रही है. सो दैट इज व्हाट गोइंग टू अगेन इंक्रीज द कॉम्पिटिशन सब 4 meter कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट. जो अगली गाड़ियां हैं वो है फ्रॉम द हाउस ऑफ देसी ऑटोमेकर विच इज महिंद्रा. महिंद्रा लेके आ रहा है करीब 4 SUV कार्स 2020 में. जो गाड़ियां हैं जान लीजिए, थार का नया जनरेशन 2020 में इंट्रोड्यूस होगा. जो लोग चाहते हैं भाई ऑफ रोडिंग एक जीप जैसा मजा, उनको थार पसंद आ रही है. और थार में काफी इम्प्रोवाइजेशन के साथ, ऑल 4 डिस्प्ले के साथ, मॉडर्न गैजेट्स के साथ, इन्फोटेनमेंट के साथ आपको थार नए जनरेशन में 2020 के ऑटो एक्सपो में अनवील होती हुई दिखाई देगी. इसी के साथ साथ महिंद्रा की स्कॉर्पियो झूला देसी लॉन्डो की गाड़ी, इस गाड़ी पे भी महिंद्रा काफी काम कर रहा है. टेस्ट व्यूज काफी टाइम तक देखे जा रहे हैं और ये गाड़ी भी आप उम्मीद कर सकते हैं इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 आपको महिंद्रा दिखाएगा विद द BS6 कंप्लायंट इंजन. और फिर सेकंड हाफ ऑफ 2020 में महिंद्रा XUV सीरीज को एक्सटेंड करेगा विद द XUV400. ये वही गाड़ी होगी जो XUV300 की तिबोली प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, लेकिन इसमें एक्सटेंडेड वर्जन होगा टू इनकॉर्पोरेट द एडिशनल 2 seats on the third row. तो ये 7 seater के रूप में आपको सेकेंड हाफ ऑफ 2020 में लॉन्च होती दिखाई देगी. प्लस XUV500 का फेसलिफ्ट एडिशन भी आपको 2020 के सेकेंड हाफ में लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा. जब से मॉरिस गैराजेस की हेक्टर आई है, टाटा मोटर्स की हैरियर आई है, किया मोटर्स की सेल्टॉस
बड़े बढ़िया फीचर्स के साथ है, उपलब्ध है. इसी के कारण XUV 500 की जो सेल्स है उस पर इम्पैक्ट पड़ा है. समाओ जीपी कंपस पहले आई थी, उसने हायर एंड वेरिएंट्स को अंडरकट किया था कि भाई कंपस के लोअर वेरिएंट्स ले लीजिए, लॉन्गिट्यूड ले लीजिए. इसीलिए महिंद्रा अब XUV 500 के अंदर काफ़ी ज़्यादा एनहेंसमेंट के साथ चीता कैरेक्टर को दोबारा, कंसिडरिंग द कॉम्पिटिशन विच इज देयर इन द मार्केट, उसके लिए काफ़ी एनहेंसमेंट के साथ लेके आने वाला है. महिंद्रा के साथ साथ आप टाटा मोटर्स के बारे में और भी बात कर लेते हैं. टाटा मोटर्स की नेक्सॉन के फेसलिफ्ट एडिशन के साथ साथ आपको टाटा मोटर्स की दो और गाड़ियां मिलने वाली हैं, विच इज गोइंग बी टाटा मोटर्स की H2X टाटा हॉर्नबिल. टाटा मोटर्स कहता है भाई SUV कार्स का आप नाम सुन रहे हैं माइक्रो SUV सेगमेंट में, जिसमें मारुति सुजुकी एक्सप्रेसो आ गई है, रेनो की क्विड आ गई है, लेकिन अगर ये गाड़ी SUV है तो हमारी जो गाड़ी है टाटा गोइंग टू ट्रू SUV, टाटा की हॉर्नबिल. आप जब चलाएंगे, लॉन्च होगी, तो SUV क्या होती है, SUV की हैंडलिंग क्या होती है, SUV की मैचो बिल्ड क्वालिटी क्या होती है, वो आपको सब एक्सपीरियंस मिलेगी इन टर्म्स ऑफ टाटा हॉर्नबिल. प्लस टाटा मोटर्स हैरियर के 7-सीटर वर्जन विच गोइंग टाटा बजर्ड, उसको लॉन्च करने वाला है. अब ये जान लीजिए इसका इंटरनेशनल नाम बजर्ड होगा, पर इंडियन मार्केट में बजर्ड नहीं होगा, बजर्ड बन जाता है. तो उसका नाम में कुछ परिवर्तन करके टाटा मोटर्स हैरियर के 7-सीटर वर्जन को लेके आएगा इन द 2020 सेकेंड हाफ. हैरियर के अंदर भी ऑटोमेटिक वर्जन आने वाला है, लेकिन वो फेसलिफ्ट नहीं होगा, इट्स मोर गोइंग टू बी एक्सटेंशन ऑफ वेरियंट. तो ट्रांसमिशन के अंदर तो उसको काउंट नहीं करते हैं फेसलिफ्ट में, लेकिन बजर्ड H2X एंड टाटा मोटर्स की नेक्सॉन, ये तीन गाड़ियां टाटा मोटर्स की तरफ से हैं. जो अगली गाड़ियां हैं वो है फ्रॉम जीप, एंड यस जीप कंपस के फेसलिफ्ट एडिशन पे काम कर रहा है. अब जीप भी जानता है भाई कंपस की जितनी बढ़िया पहले सेल्स थी वो समाओ टाटा हैरियर MG हेक्टर के कारण उस पर इम्पैक्ट पड़ा है. और जीप की कंपस का फेसलिफ्ट एडिशन विद BS6 कंप्लायंट पेट्रोल, BS6 कंप्लायंट डीजल, विद द स्टाइलिंग क्यूज, विद सम मोर एनहेंसमेंट इन फीचर्स, विद द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, द लोअर ट्रिम डीजल, आपको कार के स्टाइलिंग में परिवर्तन मिलके जीप की कंपस सेकेंड हाफ 2020 में लॉन्च होगी. हालांकि कंपस के 7-सीटर वर्जन पे भी काम चल रहा है, पर मोस्ट लाइकली वो डिलेड हो जाएगी, डेट्स गोइंग टू इंट्रोड्यूस 2021, तो उसको काउंट नहीं करते हैं. लेकिन साहब जीप की एक और गाड़ी है जो मास मार्केट में आने वाली है, डेट्स गोइंग टू बी अ जीप रेनेगेड. यस, जीप अपनी रेनेगेड को लॉन्च करेगा 2020 के मोस्ट लाइकली इन द लेटर हाफ. और इस गाड़ी के अंदर जो मेन आपको USP मिलेगी, डेट्स गोइंग टू बी द हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक. इसके अलावा दो तीन गाड़ियां साहब और हैं. Hyundai की ट्यूसॉन का फेसलिफ्ट एडिशन, BS6 कंप्लायंट पेट्रोल डीजल इंजन, इसमें 20 से 30 लाख के बजट में जिन लोग का है वो ट्यूसॉन को पसंद कर सके. इसके अलावा फॉक्सवैगन ग्रुप की तिगुआन की छोटी बहन टीरॉक, ये गाड़ी फॉक्सवैगन की 2020 के सेकेंड हाफ में आने की पूरी उम्मीद है. भारत स्टेज 6 कंप्लायंट पेट्रोल डीजल इंजन, एक्चुअली जो तिगुआन है, I would like to disclaim, I've driven it only twice. The car handling is phenomenal for those looking for an urban SUV in city drive. उनको वो गाड़ी तिगुआन बहुत ही बढ़िया लगने वाली है. इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग आता है, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग नहीं है. तो जो लोग चाहते हैं अर्बन SUV, एग्जीक्यूटिव क्लास SUV, उनको तिगुआन पसंद आती है. और तिगुआन की ही कम प्राइस पॉइंट पे आपको टीरॉक मिलने वाली है. छोटी SUV होगी, कॉम्पैक्ट होगी, लेकिन साहब हैंडलिंग के हिसाब से, इंजन के हिसाब से, रिफाइनमेंट के हिसाब से, डेट वुड बी अ गुड वन. और नए मैन्युफैक्चरर्स में सिट्रन लेके आने वाली है C5 A-Cross. हालांकि इस कार को उन्होंने दिखाया था 2019 में, और इसका फाइनल प्रोडक्शन वर्जन आपको पहली गाड़ी के रूप में 2020 के एंड में सेकेंड हाफ में आपको भारतीय मार्केट में लॉन्च होता दिखाई देगा. अब कैसी रहेगी, क्या रहेगा, वो तो एज सून एज वेन वी ड्राइव दैट SUV देन ओनली वी कैन कमेंट, बट मोस्ट लाइकली द प्राइसिंग विल बी इन द ट्यून ऑफ 20-25 lakh rupees. तो सिट्रन की C5 A-Cross भी आने वाली है. तो ये सारी गाड़ियां जो 2020 में लॉन्च होंगी. लेकिन इसके अलावा कुछ एक SUV के नाम का बड़ा भोकाल चल रहा है कि भाई वो भी आने वाली है. तो साहब वो जान लीजिए, दोस कार्स आर नॉट कमिंग इन इंडियन मार्केट, जैसे होंडा कार्स इंडिया की HRV. देखिए पहले अर्लियर एंटिसिपेशन थी कि होंडा इस गाड़ी को भारतीय मार्केट में लेके आएगा, लेकिन समाओ जो BRV की सेल्स है, आपको पता ही है बहुत टाइम से गाड़ी पिटी हुई है. होंडा की CRV 5 लाख का डिस्काउंट चल रहा है 4-व्हील ड्राइव पर्सन पे, और HRV को अगर वो लेके आने का प्लान करती है होंडा, तो वो जानती है कि इस गाड़ी की जो CBU यूनिट यानी जिस कंपोनेंट्स है वो बाहर से इंपोर्ट होके आएंगे, तो समाओ जो HRV की कीमत है वो कंपस के भी पॉसिबली ऊपर चली जाएगी. एंड एट दैट प्राइस पॉइंट देयर वुड बी अ वेरी फ्यू टेकर्स फॉर होंडा HRV. तो HRV भारतीय मार्केट में नहीं आने वाली है. इसके साथ साथ टोयोटा के बारे में बात करते हैं. तो टोयोटा की रश का काफ़ी टाइम से भोकाल चल रहा है, एक बार रश आने वाली है. तो साहब रश के बारे में
बिल्कुल कंफर्म है, इट्स नॉट गोइंग टू लॉन्च इन 2020। टोयोटा की रेस सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी, अगर उसकी भी वेट करना चाहते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में हालांकि लॉन्च हो चुकी है पर भारतीय मार्केट में 2020 में नहीं आने वाली है। इसके अलावा और कौन सी गाड़ियां हैं, तो मारुति सुजुकी जिमनी, भाई कई लोगों को लगता है भाई जीप के रूप में गाड़ी मिलेगी जिमनी, तो साहब जिमनी भी नहीं आने वाली है। आई हैव स्पोकन टू अ सीनियर पर्सन इन मारुति सुजुकी एंड एज पर हिम जिमनी के बारे में वो स्टडी कर लेंगे, लेकिन अभी 2020 में that car is not going to launch in Indian passenger car market. So that was all about today's session. If in case you like the video, video ko upload kariye, share kariye. I'm reiterating, video ko share zarur kariye, subscribe kar lijiye channel ko, and do visit www.mycarhelpline.com for the best of updates on the automotive sector. Thank you.